हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं बायो मॉलिक्यूल चैप्टर से अमीनो एसिड टॉपिक को। देखिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर के ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप होता है, एन एसिटिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूंट ऑफ द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, यानी कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ही अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिटिक ग्रुप होता है, यानी NH2 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है। और ये जो कार्बन पर COOH ग्रुप भी लगा होता है और NH2 ग्रुप भी लगा होता है, तो इसलिए अल्फा अमीनो एसिड यानी कि एक ही कार्बन पर लगा होता है। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी इनको कहा जाता है। दे आर फोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑक्यूपाई द फोर वैलेंसी पोजिशंस। दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप जिसको हम आर ग्रुप कहते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप्स देयर आर मैनी अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड है उसमें अमीनो ग्रुप है, आर जो कि वेरिएबल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन होता है। तो दोज विच अकर्स इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 अमीनो एसिड, यानी कि आर समूह जो होता है उसकी प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। तो आर ग्रुप इज द इन दीज प्रोटीनियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, द अमीनो एसिड ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप एलेनिन में होता है और हाइड्रोक्सिल मिथाइल होता है सेरीन में। तो याद करिएगा इस चीज़ को कि हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है वो ग्लाइसिन में है और मिथाइल ग्रुप वो एलेनिन में है और हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप सेरीन में है। 3 of 20 आर शोन इन फिगर, जो कि तीनों के तीनों फिगर में शो किए गए हैं, आप NCERT में देख सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ग्लाइसिन है, H लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप है, एलेनिन है, और CH2OH यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, उसमें सेरीन है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, GAS यानी ग्लाइसिन, H, CH3 ग्रुप, एलेनिन और सेरीन। लेकिन याद रखिएगा, एलेनिन है, इसे अर्जिनिन ना समझ लीजिएगा, एलेनिन ही है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, ये याद रखिएगा। तो आप याद कर लीजिए, ग्लाइसिन और एलेनिन और सेरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर इसेंशियली ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप, यानी अम्लों के जो अमीनो अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, मुख्यतया अमीनो कार्बोक्सिलिक और आर जो क्रियात्मक समूह है उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देयर आर एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक,
लाइसिन, न्यूट्रल वैलिन अमीनो एसिड्स। यानी कि जो एमिनो ग्रुप हैं और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उनके आधार पर एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, क्षारीय में लाइसिन और उदासीन यानी न्यूट्रल एसिड अमीनो एसिड में वैलिन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सिमिलरली दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। पूछा जाए कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टायरोसिन है, फिलाइन एलानिन है और ट्रिप्टोफैन है। याद कर लीजिएगा, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द अनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये जो जुटर आयन फॉर्म करता है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है इस तरीके से। यानी कि जो अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण होता है कि अमीनो अम्ल NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, यानी कि आयनाइजेबल नेचर के होते हैं ये ग्रुप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे NH3 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और कार्बोक्सिल पे निगेटिव है, यानी कि ये आयनीकरण प्रकृति के होते हैं ये ग्रुप्स। कौन कौन से? अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम आइए चर्चा करते हैं लिपिड के बारे में। तो लिपिड आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। साधारणतया लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। ए फैटी एसिड्स हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। आर ग्रुप कुड बी मिथाइल CH3 और इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 1 to 90 कार्बन। यहाँ तक देखेंगे कि लिपिड हैं वे ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। ठीक है, वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो R समूह से जुड़ा होता है। R समूह में क्या होता है? CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है और CH3 और इथाइल के साथ साथ में उच्च संख्या वाले CH2 समूह जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 19 तक, जो एग्जाम्पल दिया गया है पामेटिक, यानी कि इनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 19 तक हो सकती है हायर नंबर में CH2 की। फिर हम बात करते हैं पामेटिक एसिड जिसमें कि 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन को मिलाकर के भी पामेटिक एसिड में कार्बन की संख्या 16 होती है। अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, यानी कि अरेकिडोनिक एसिड होता है उसमें 20 कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक कार्बन को मिलाकर के भी। फैटी एसिड्स ये संख्या आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सिंपल लिपिड इज ग्लिसराल विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन। ग्लिसराल को हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक प्रोपेन। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसराल एंड फैटी एसिड्स। हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विथ ग्लिसराल। यानी कि ग्लिसराल के एस्ट्रीफिकेशन से फैटी एसिड बनते हैं। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसके बाद क्या है? दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ऑयल्स क्या होते हैं? लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जिंजेली ऑयल हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, यानी कि सर्दी में भी ये तरल रूप में रहता है। अब क्या इसके बाद है? हम बात करेंगे सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड फास्फो रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि फास्फोलिपिड्स है, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन लिसथिन। याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, लिसथिन है जो कि फास्फोलिपिड है और वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में
पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। लिसिथिन इज एग्जाम्पल होता है फास्फोलिपिड का। सम दीज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं उसे लिसिथिन बोलते हैं, और कुछ ऐसे ऊतक विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना में लिपिड पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि तंत्रिका तंत्र में जटिल संरचना में पाए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना कुछ सजेशन देना चाहें तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई वेट फॉर योर सजेशन एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।